और ये बात ना सीधा मेरे दिल पे चुभती है, तो मैं ये करता हूं। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े PUBG द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार इसमें तुम्हारे भाई की बेइज्जती की जाती है, वो भी स्नाइपिंग से लेके, है ना। ऐसी मेरी स्नाइपिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, उसके ऊपर से यार मेरी स्नाइपिंग पे सवाल उठाया जाता है, तो हाँ जो भी होगा बहुत गलत होगा यार, दिल पे चुभती है मेरी बात। और यहाँ अमेजिंग पार्क में आगे पे पता नहीं कितने बंदे कूदे होते हैं, और यार वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो मैं भी चला जाता हूँ। और यहाँ आके मैं देखता हूँ कि यार मेरी किल जो मुझे मिलनी चाहिए थी वो सारी की सारी एक वेक्टर वाला बंदा ठिला रहा है, तो मैं उसको ठिलाने पहुंच जाता हूँ। और हमारे ये वेक्टर वाले भाई वेक्टर छोड़ के मेरे ख्याल से कोई दूसरी ज़्यादा महंगी गन लेना चाह रहे थे, है ना। बंदा लूट ही रहा था, मतलब खुश हो गया यार, वेक्टर चला के भैया पेटियाँ बना दी, भाई खुश बहुत होंगे। लेकिन उसके बाद मैं साइड से आता हूँ, पीक पाक करता हूँ, और बंदे की पेटी बन जाती है सीधा। खैर देखो, उसके बाद यहाँ से हमारा प्लान यही था हाँ अंग्रेजी का सब सिखाऊँ मैं, हमारा प्लान यही था कि भैया यहाँ पर आएंगे, जो भी गिने चुने बंदे आएंगे उनकी पेटी बनाएंगे, उसके बाद पोचंकी निकल लेंगे वो भी के। और यार मुझे नहीं पता क्यों हर बार जब भी मैं यहां से पोचंकी उड़ता हूं ना, हर बार मैं बीच में ही रुक जाता हूं। देखो यार और यहाँ पे भी तुम्हारे भाई की खिल्ली उड़ाई जाती है ना। हमारे भाई मतलब उड़ के बिल्कुल पूरा आगे पहुंच जाते हैं, और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने पूरी जान लगा दी थी आगे तक जाने के लिए, लेकिन मैं हर बार यहीं पे आके गिरता हूँ। तो एक बार बेइज्जती हो ही चुकी है ना, अब इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकता मैं। और अगर आप में से किसी को पता है कि लंबा और दूर कैसे उड़ते हैं वो उड़न तस्तरी से, वो जो अमेजिंग पार्क में है, तो यार कमेंट में जरूर बताना, नहीं तो हर बार ऐसी बेइज्जती होगी। और अभी तो बस शुरुआत है यार, आगे आगे बहुत बेइज्जती आऊंगी मेरी, देखो आप। और अपना प्लान कुछ हद तक काम कर जाता है ना, यहां पे आके भी मुझे दो किल मिली चुकी हैं और एक और जिंदा है अभी। और जो बंदा जिंदा है ना, वो मैंने सुना था वो बॉट को पेल रहा था, गनों की आवाज आई थी, वो भी एक शॉटगन से, वो भी वो वाली, वो जो सस्ती सी होती है भैया, खचक खचक करता रहता है, 5 गोली चलती है, हाँ उसी शॉटगन से बंदा बॉट ठिला रहा है। और देखो अब किसी पे शॉटगन होती है तो वो क्या करता है, वो जाके लूटता है ना, इधर उधर भटकता है, सारी लूट लूटने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे ये भाई अलग लेवल पे होते, मतलब यार हम पास भी नहीं आते इस भाई के कहीं से भी। ये बंदा शॉटगन लेके ही छत पे चढ़ जाता है। अब ये क्या करना चाह रहा था वहां से, मतलब शॉटगन से स्नाइपिंग, देखो यार कुछ भी हो सकता है। तो हाँ जो भी हो, बंदा आगे की तरफ है और मैं छत पे चढ़ चुका हूं बंदरों की तरह। अबे यार और एक टाइम के लिए ना मेरी फटके चार हो गई थी यहाँ पे, मतलब मैं देखता हूँ यार छत पे चढ़ा है वो भी शॉटगन लेके। मैंने बोला यार अगर यहाँ पे नॉक हुआ ना मैं, तो यार पेटी ही बनेगी, कोई बचाने भी नहीं आएगा मुझे ऊपर। खैर मेरे ख्याल से ये बंदा कोई चैलेंज चुलेंज कर रहा था, है ना, यूट्यूब वगैरह बना रहे होंगे भाई, वीडियो बना रहे होंगे, दो दो शॉटगन थी भाई पे। खैर जो भी हो, उस बंदे को ठिला दिया, उसके बाद मैं एक डिरॉप पे जा रहा हूँ, और यार डिरॉप के पास ही अमेजिंग पार्क भी होता है, तो यार यहां पे बंदे मिलना बिल्कुल पक्का हो जाता है हमारे लिए। तो
अब यहाँ पे हेडशॉट पेलने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है, कोशिश किया, सर पे रखूँ, 4x था मेरे पे, मैंने बोला ठीक है यार लग जाएगा, लेकिन भाई बॉडी शॉट ही लगता है, तो मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी M4 निकालो और पेटी बनाओ इसकी। और जैसी वो बंदा टिलता है ना, एक और बंदा ड्रॉप पे आ जाता है, मतलब यार लालची ये लोग भी बहुत हैं, हम लोग भी बहुत हैं, ठीक है। एक बंदा ठिला नहीं, दूसरा बंदा आ गया दूसरी टीम का, तो मैं उसे पहले थोड़ा और आगे जाता हूँ। और ऐसी यहाँ पे मेरी स्नाइपिंग सस्ती है, उसके ऊपर से लाल बिंदु लगी होती है कार 98 में, है ना, तो अगर शॉट लगने का जो भी बचा कुचा मौका था वो भी गवा देता हूँ मैं यहाँ पे। दो भाई दो लौंडे हैं। और इस लोबी में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही स्नाइपिंग सस्ती है, मतलब यार पता नहीं कहां से लेट के अमेजिंग पार्ट से बंदा मेरे को गोली पेलता है M24 से, मुझे पहली बार में लग जाता है। मैं यहां पे 50 गोली चला चुका हूं यार, एक भी बंदा नहीं ठिलाया कार 98 से, क्या ही बताऊं। खैर जो भी हो, हम भी डीटा भैया एक को नॉक करके ही मानेंगे, तो मैं दोबारा से ड्रॉप के पीछे वाले बंदे को पेलने की कोशिश कर रहा होता हूं, और इतने में ही कोई और भी आता है। और ये होते हैं मिट्टी दिल इंसान, बिल्कुल मेरी तरह। उस बंदे ने आधे सेकंड भी रुक के मुड़ के नहीं देखा कि यार बंदा नॉक हो गया, ठीक है, उसका बंदा चिल्ला रहा होगा भाई पीछे आजा रिवाइव हो जाऊंगा पेड़ के पीछे हूं, लेकिन नहीं, वो गाड़ी वाला बंदा रुका नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे एक बंदा जो मैंने अपने सस्ते स्प्रे से नॉक किया गाड़ी पे, उसकी किल चुराने मेरे ख्याल से एक बोट आ जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया यार। पूरे दिन भर जब मैं खाली बैठा हूँ पबजी में, कोई बोट नहीं आएगा, लेकिन भाई जैसे मैंने इधर उधर बंदे नॉक किए, फाइट भिड़ गई कतई गलत वाली, भैया बोट मेरे साथ ही आ जाएंगे सारे, वो भी मेरी किल चुराने, क्या ही बताएं। और बोट के साथ और बंदे भी आते हैं पीछे से। पीछे से आ गए भाई, अबे पीछे से आ गए क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे भाई के कोई पीछे से भर देता है गोलियां, है ना, बिल्कुल गोली भर के भाई की पेटी वहीं गिरा दी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हम दोनों यहाँ पे थे, लेकिन हमारे भाई पीछे की तरफ जाके चौड़ में न जाने क्या ही कर रहे थे, इसलिए यार बचाने का कोई मौका भी नहीं था। यहाँ पे होते तो शायद हम सारे बच जाते, या तो हम तीनों ठिल जाते, खैर जो भी हो उनका बदला लेना पड़ेगा यार। तो मैं पीछे आ चुका हूँ और अब बिल्कुल लेट के स्प्रे वगैरह दूंगा 3x से। और उस भगते बंदे को न जाने कितना सारा डैमेज दिया मैंने, मतलब यार पीला धुआं पूरा दबा के आया था, लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ। खैर कोई नहीं यार, पूरी स्क्वाड है तो सबको पेलेंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं लगभग 3 बंदे नॉक कर चुका हूँ, तो यार बस एक ही बंदा बाकी है जो मेरे ख्याल से नीले टैप के कपड़ों में था और इस पेड़ के पीछे भगा था, और यार ये भी दबा के स्प्रे देता है अपने पे। अब ये बंदा यहाँ पे 300 IQ गेम प्ले दिखाता है, ठीक है, भाई ने क्या किया, मुझे बहुत सारा डैमेज दिया। अब देखो डैमेज पड़ता है तो क्या करता है, कोई भी हील करेगा, है ना, हील करेगा, उसके बाद पीक पुक करेगा। तो भाई ने बोला ठीक है यार डैमेज दे दिया, मैं पीछे भाग लेता हूँ, अपने दोस्तों को बताऊंगा, सबको रिवाइव दूंगा आज, ठीक है। लेकिन उस बंदे को ये बात पता नहीं थी कि यार मैं बहुत बड़ा ढीट हूँ। मैंने बोला भाड़ में गया, हील नहीं करना, इस बंदे की पेटी बनाओ, तो मैं हील हुल कैंसिल करता हूँ, बंदा भग रहा होता है और बंदे की रस्ते पे पेटी बना देता
देता हूँ। हाँ, बहुत सारी गोली बर्बाद की, लेकिन यार पेटी तो बनी। खैर, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि इस सामने वाले घर पे ना बंदे बैठे पड़े हैं और मेरे पे कार्नाइटेट पड़ी है। अब बेशक डैमेज उस बंदे को हुआ होगा, लेकिन यार दर्द ना यहाँ पे होता है दर्द मेरे। ठीक है, जब भी मैं हेडशॉट पेलता हूँ बंदे का लेवल 3 हेलमेट होता है यार, दिल पे दर्द सा उड़ जाता है, क्या ही बताऊँ। खैर, जो भी हो, यहाँ पे मैं समझ जाता हूँ कि कुछ नहीं उखाड़ने वाला मैं यहाँ पे। मैं दोबारा भी हेडशॉट पेलूंगा, वो 100 HP करके बैठा होगा, लेवल 3 का ही हेलमेट होगा बंदे पे, और मैं फिर से कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। तो मैं गाड़ी लेके यहाँ पे निकल जाता हूँ और यार तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पे बेइज्जती ना दबा की होने वाली है तुम्हारे भाई की। देखो यार, अब उस घर के छत पे 4 बंदे अचानक से निकल आते हैं। मतलब होता ना यार कभी भी, मतलब मोहल्ले में भैया लड़ाई लड़ाई भिड़ जाती है, कुछ गलत सीन हो जाते हैं, हर कोई छत पे पहुंचा रहेगा देखने के लिए कि यार सीन क्या चल रहा है। तो यहाँ पे भी वही होता है और यहाँ पे यार 4 बंदे छत पे आके हम पे फायरिंग दे रहे होते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ, इस पत्थर पे बैठ जाता हूँ ढीट की तरह, ठीपी भी लेके बस इंतजार कर रहा हूँ कि यार कोई पीक करे और मैं उसके गलती से हेडशॉट चिपका दूं। हाँ, नहीं होता यार, मतलब नहीं लगेगा हर बार, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करेंगे हम। और मैं कोशिश करने ही वाला होता हूँ कि यार मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की जाती है। बॉडी भी लग रही है और ये बात ना सीधा मेरे दिल पे चुभती है, तो मैं ये करता हूं। अब यहाँ पे क्या होता है यार, बंदों को मैं पेलना होता हूँ लेकिन हेडशॉट नहीं लग रहा होता। तो मैं बोलता हूँ यार क्या सीन चल रहा है यार, हेडशॉट ही नहीं लग रहे आज तो। तो हमारे भाई बोलते हैं यार तुमसे बॉडी भी लग रही है, मतलब हेडशॉट तो बहुत दूर की बात है यार, तुमसे तो बॉडी शॉट भी नहीं लग रहा है। और ये बात ना दिल पे दर्द दे जाती है। तो मैं बोलता हूँ यार चाहे कुछ भी हो, हेडशॉट तो पेलना ही पड़ेगा। वो अलग बात है यार, मैंने तुक्के में पेला, लेकिन हाँ मतलब लग गया अब तो चौड़ तो दिखानी ही पड़ेगी। और यहाँ पे आके तुम्हारा भाई लगभग 3-4 नेड़ फेंक देता है बिल्कुल पत्थर की तरह, और हमेशा की तरह लगभग 100 में से 150 बार की तरह यार नहीं फटता नेड़, है ना। खैर, जो भी हो वो सब छोड़ो भाई लोग, तुम्हारा भाई डेली रियो टीवी पे लाइव स्ट्रीम करता है रात के 9 बजे से। तो हाँ यार, वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना, और वहाँ पे डेली गिव अवे भी होते हैं, और अभी चल रहा है वहाँ पे पोको का गिव अवे। तो देखो, फाइनल्स के लिए थोड़े से स्लॉट बाकी हैं, जल्दी आ जाओ, कस्टम खेलो और आप पे मौका है पोको जीतने का, दिक्कत की तरह रही है। फॉलो करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। खैर, उसी के साथ मैं यहाँ ऊपर पे रस कर रहा हूँ, टोटल 4 बंदे बैठे पड़े हैं और इनको जैसे तैसे करके M4 से पेलता हूं मैं। और यहाँ पे एक छोटे से, ठीक है, वो कोने में छोटे से कमरे के अंदर 3-3 बंदे बैठे पड़े होते हैं। सोचो यहाँ पे अगर मैं अंधा घुसता तो कब पेटी बनती, कब नॉक होता, कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, ये लोग सीधा लॉबी भेज देते। खैर, जो भी हो, मुझे लगता था यार कि अगर मैं पीक करूँगा तो ठिल जाऊँगा, तो मैंने इंतजार किया इनके बाहर आने का, और यार बाहर ये लोग तीनों एक साथ आ गए। खैर, जो भी हो, जैसे तैसे करके पेल दिया यहाँ पे, और यार वो जो बेइज्जती थी ना मेरे दिल पे अभी भी दर्द दे रही थी। मतलब यार तुमसे बॉडी शॉट भी नहीं लग रहे हैं यार, ये बात मैं सोते समय भी सोच के सोया इस गेम के बाद। तो हाँ, बहुत दुख हुआ, लेकिन उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए यहाँ पे मैं एक गलत सीन कर देता हूँ। हाँ, वो भी तुक्के में होता है, लेकिन यार मजा टैप आ जाता है करके। देखो यार, आप ले
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बंदे को घर के अंदर नॉक करके उसकी पेटी घर के अंदर ही बना देता हूँ। मतलब सोचो उसके टीममेट वहीं बगल में बैठे होंगे, बोलेंगे कोई नहीं यार हेडशॉट ही तो लगाए, इधर आओ हम रिवाइव देंगे। लेकिन तुम्हारा भाई अपनी सस्ती स्नाइपिंग से बंदे की उन जितने भी टीममेट्स होंगे उसके, वहाँ पे तीन होते हैं टोटल, उन सबके सामने घर के अंदर स्नाइपिंग से पेटी बना देता है। तो यहाँ पे भैया नाइस नुइस बोला जाता है ना अंग्रेजी में, मतलब यार पहले तुम बेइज्जती कर रहे हो, उसके बाद जब गलती से लग जा रहे हैं शॉट यार, फिर नाइस नुइस बोल रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा। खैर जो भी हो भाई लोग, इस घर के अंदर पेटी बनाने के लिए और इस स्क्वाड वाइप के लिए यार लाइक पहला मत भूलना, बिल्कुल ज़्यादा जोर से मार दिया, नीला टैप कर दो लाइक के बटन को, बिल्कुल पेल के रख दो। और अब टाइम आ गया है जोन के अंदर घुसने का, और यहाँ सांप भी है एक। और हमारे ये जिम लवर भाई यहाँ पत्थर और झाड़ी के बीचों बीच पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना। मतलब यार बंदा लेटा पड़ा था, मैंने बोला देखो बाकी जोन में बाद में जाएंगे, इसे पहलो, क्योंकि ये बंदा पीछे से जो दिक्कत देगा ना वो अलग लेवल पे होगी। तो यहाँ पे हम स्मोक वगैरह इसलिए बनाते क्योंकि यार एक बंदा लेट रखा था, क्या पता बाकी भी लेटे हों। खैर उसके बाद मैं जल्दी से कार से निकल पड़ता हूँ उन घर वालों को पेलने। और यहाँ पे ये जिम लवर भाई को पेलने के चक्कर में वहाँ घरों पे फाइट भिड़ जाती है, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कद्दू भी नहीं पता कितने बंदे किधर पे बैठे हैं। और देखो आगे जो घर है ना वहाँ पे हरियाली की कमी नहीं है बिल्कुल, मतलब देखो कोई बंदा सांप नहीं भी बनता होगा ना, उसे मन सा कर जाएगा कि यार सांप बन जाता हूँ आज, इतनी हरियाली है वहाँ पे, जंगल झाड़ी झंकट सब कुछ वहीं घर के पास है। ये जगह और मिल्टेरेरी और एकाध जगह और भरी पड़ी है झाड़ियों से, सांपों का बेस्ट अड्डा बिल्कुल। खैर यहाँ पे मैं पेड़ के बगल में आता हूँ, पेड़ क्यों कह रहा हूँ, दीवार के बगल पे आता हूँ और देख रहा होता हूँ अगल बगल कौन सांप बना पड़ा है। और उतने में ही एक बंदा अपनी पूरी जी जान लगा के रोड पार कर रहा होता है। और आधे सेकंड से मैं यहाँ पे बच जाता हूँ क्योंकि यार अगर वो बंदा ड्रॉप पे पहुंच जाता ना तो देखो वो भी गोली चलाता और यहाँ जो घर पे बंदे बैठे पड़े हैं वो भी गोली चलाते। तो अब तीन ही बंदे बाकी हैं और वो तीनों एक ही टीम के होते हैं। साउंड आ रही है ना तुझे? हाँ ब्लू घर के पास है। तो यहाँ पे मुझे अच्छे से बताया जाता है कि भैया यहाँ पे बंदे हैं, यहाँ पे बंदे हैं, लेकिन मैं होता हूँ ठेठ, बात किसी की नहीं सुन रहा हूँ, मौली उठाई अंट संट फेंक दी, कहीं नहीं लगी वो मौली, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं लगी, वो झाड़ी झंकट पे भी नहीं पड़ी होगी। तो मैं क्या करता हूँ इधर पे आता हूँ क्योंकि ये लोग यार नेट नूट खींच रहे हैं और मुझे नहीं लगता मेरी तरह सबके नेट सस्ते होंगे, है ना, कुछ बंदे बहुत तगड़ा नेट करते तो यार बचना ही बढ़िया है। तो जो भी बंदे हैं आगे की तरफ हैं और इतने में ही एक बंदा मुझे इधर उधर करते हुए दिखता है आगे। तो हमारे भाई पूरा प्लान बना के आए हैं, ठीक है, दो बंदे घरों की साइड हैं, एक बंदा बिल्कुल राइट आ चुका है और ये तीनों मिलके ना हमें पेटी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब घेर के पेलना चाहते हैं ये लोग। तो देखो बढ़िया यार, मतलब ये लोग घेर के पेल सकते थे, लेकिन उतने में ही वो बंदा जो अभी अभी राइट की साइड भागा है वो पहले तो एक आध नेड करता है जो कि बिल्कुल भी नहीं फटते हमारे पास, लेकिन हाँ अगला जो नेड होगा ना वो अलग लेवल पे होगा, मतलब ऐसा नेड यार मैं तो अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता करने की। देखो यार अलग लेवल, ठीक है, ये नेड आप तभी कर पाओगे, ऐसा नेड करने के लिए आपको सस्ते नशे करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी करो क्योंकि यार सस्ते नशे करके खेलने पे पेटियां ही बनती है, है ना। अब न जाने कौन सा गत्ता फूका था भाई ने, मैं यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि यार मुझे पता था नेड आएगा, जरूर आएगा, अभी नेड खत्म नहीं हुए होंगे इनके, मैं इंतजार कर रहा हूँ यार कब नेड आएगा, कब मेरी पेटी बनेगी, लेकिन उतने में ही भाई अपने पे नेड करता है और ठिल जाता है बिल्कुल। और इसके दोस्त भी बहुत ढीट होते हैं, मतलब यार बचाने कोई नहीं आया भाई को, है ना। तो किल तो मैं भी नहीं ले पाया, मतलब यहाँ आते हुए टाइम लग गया बहुत क्योंकि वो लोग घर से टीपी पे ले रहे थे। तो हाँ जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे आता हूँ और हर बार की तरह, हर बार नहीं मतलब कई बार की तरह यहाँ पे भी
हिल बैटल वाला टाइम हो जाता है। मतलब वो बंदे भी नहीं हिल रहे, हम भी नहीं हिल रहे। देखो सीन क्या होता है, जो हिलेगा वो ठिल जाएगा। तो वो लोग भी वहां पे बैठे पड़े, हम भी यहाँ पे बैठे पड़े। लेकिन इतने में ही उनका एक बंदा एक छोटी गलती कर देता है। चले और एक बंदे की एक छोटी सी, ठीक है, छोटी सी गलती की वजह से यार दोनों की पेटी बन जाती है। ठीक है, तो इनका सीन क्या था, एक बंदा लेफ्ट में टीपी पी ले रहा था, एक राइट में। दोनों ने बोल रखा था, भैया तुम यहाँ पे टीपी पी लो, यहाँ से पेटी बनाना, हम यहाँ पे टीपी पी लेंगे, है ना। मैं तो भैया हील के लिए बिल्कुल रेडी था, तैयार था कि यार जोन आएगा मैं हीलिंग बैटल करूंगा, जो कि मुझे भी पता है मैं हार जाता, लेकिन हाँ यार कुछ तो करना पड़ता, आगे ऐसे भगते हुए जाता तो पेटी बनती। लेकिन इनके राइट वाले बंदे को न जाने क्या होता है भाई, कौन से नशे थे इस टीम के, थोड़ा सा भाई घूमने के लिए राइट भगते हैं और मैं सीधा नॉक कर देता हूं। अब यहां पे ग्रोजा नहीं होती तो शायद ही बंदा ठिलता, लेकिन हाँ यार मजा टैप आ गया। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो पे लाइक पहला मत भूलना यार। देखो भाई की बेइज्जती हुई थी यार, जैसे तैसे इज्जत बचाई है, तुक्कों में बची है इज्जत, लेकिन हाँ यार बस तो गई थोड़े टाइम के लिए। वैसे स्नाइपिंग बहुत ही सस्ती है तो क्या ही फर्क पड़ता है। खैर लाइक पे ना मत भूलना यार, बिल्कुल नीला टैप कर दो, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बेइज्जती वगैरह ऐसे गलत सीन तुम्हारे भाई के साथ होते रहते हैं। और हाँ भाई लोग रिहो टीवी पे फॉलो करना मत भूलना, डेली रात को 9 बजे से स्ट्रीम वगैरह करते हैं, आओ यार मजे करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग यार, कल मिलते हैं, बाय बाय।